यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पोएट्री सेक्शन। पोएम नंबर सेकेंड है द सॉन्ग ऑफ लाइफ। इसमें पी साइलेंट रहता है, इसको शाम पढ़ते हैं। शाम का मीन्स होता है भजन, ऑफ लाइफ मतलब जीवन, जीवन का भजन। इसके राइटर हैं एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो। इनका पूरा डिटेल्स नेम है हेनरी वर्ड्स वर्थ लॉन्ग फेलो। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो ही समझ सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। या इसमें एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो ने जीवन के बारे में बताया है कि जीवन क्या है क्या नहीं है, इन्हीं सब बातों का वर्णन किए हैं। चलिए हम पोएम को टेस्ट के माध्यम से समझते हैं कि जीवन के बारे में क्या कहते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ का मीन्स होता है जीवन, रियल का मीन्स होता है वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ का मीन्स होता है जीवन, अर्नेस्ट का मीन्स सच्चा या फिर गंभीर, जीवन सच्चा है। मतलब इनके अनुसार, और इसको आप थोड़ा आश्चर्य के साथ बोलेंगे क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है या फिर जीवन गंभीर है। एंड और द ग्रेव, ग्रेव का मीन्स होता है कब्र, इज नॉट इट्स गोल। इट किसके लिए आया है, इस जीवन के लिए है। गोल का मीन्स होता है लक्ष्य या उद्देश्य। ग्रेव का मीन्स होता है कब्र, नॉट मतलब नहीं, इट्स मतलब इसका, गोल मतलब लक्ष्य। कब्र में ही जाना इसका लक्ष्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जीवन के बारे में एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो कह रहे हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड और द ग्रेव कमिंग सो कब्र इज नॉट इट्स गोल, मृत्यु ही, कब्र में जाना ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट, डस्ट का मीन्स होता है धूल, दो मतलब तुम, आर्ट मतलब कलाओं की, तुम धूल की कलाओं से बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट मतलब धूल में, रिटर्नेस्ट का मीन्स वापस मिलने के बाद, मतलब तुम धूल से ही बने हो और वापस धूल में ही मिल जाओगे, मतलब धूल से ही बने हो और धूल वापस में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, नॉट मतलब नहीं, स्पोकन स्पीक का मीन्स होता है बोलना या बोलना या कहना, स्पोकन मत थर्ड फॉर्म है। ऑफ द सोल मतलब आत्मा, यह बात आत्मा के लिए नहीं बोला गया, मतलब जो सारी ऊपर बातें बोला गया है यह बात आत्मा के लिए नहीं बोला गया। नॉट इंजॉयमेंट, न ही आनंद, इंजॉयमेंट का मीन्स होता है आनंद, न ही आनंद। एंड और नॉट सारो, और न ही दुख, सारो का मीन्स होता है दुख। इज अवर डेस्टिंड एंड, हमारे भाग्य का अंत नहीं है। अवर का मीन्स होता है हमारे, डेस्टिंड का मीन्स होता है भाग्य, एंड मतलब समाप्त, आरवी मतलब तरीका, हमारे भाग्य मतलब। नॉट एंजॉयमेंट, न ही आनंद, नॉट सारो, न ही दुख, इज अवर डेस्टिंड एंड, हमारे भाग्य का अंत नहीं है। मतलब हमारे जीवन में सुख और दुख होना ही यही भाग्य नहीं है। बट लेकिन टू एक्ट, लेकिन कार्य करते रहता करते रहना है। दैट की इज टुमारो, इज मतलब प्रत्येक, टुमारो का मीन्स आने वाला कल। बट लेकिन टू एक्ट, लेकिन कार्य करते रहना है। दैट की इज टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल, टुमारो का मीन्स होता है आने वाला कल, इज का मीन्स होता है प्रत्येक। बट लेकिन कार्य करते रहना है। दैट की इज टुमारो, प्रत्येक आने वाला कल। फाइंड अस, फाइंड का मीन्स पा सके, मतलब हम अपने आप को। फार का मीन्स होता है दूर, फार मतलब उससे दूर, देन टूडे आज से आगे, आज से और आगे। फाइंड पा सके अस मतलब हम अपने आप को, फर्दर और आगे, देन टूडे आज से हम अपने आप को आने वाले कल और भी आगे पा सकें। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड का मीन्स संसार, ब्रॉड मतलब चौड़ा है या विस्तार है, फील्ड मतलब मैदान, ऑफ बैटल मतलब युद्ध। यह संसार एक विशाल युद्ध का मैदान है, मतलब यह जो संसार है, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी जड़ चेतन, ये सभी जो है एक जीवन के लिए, यह एक विशाल युद्ध का क्या है, मैदान है। इन द बायोकिक ऑफ लाइफ, बायोक का मीन्स होता है अस्थायी, टेम्परेरी, ऑफ लाइफ का मीन्स होता है जीवन, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, मतलब वह हमारा जो जीवन है अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, मतलब बहुत कम समय के लिए, किसी समय हमारी मृत्यु हो सकती है, ये इसका सेंस है। अस्थायी ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक अ डंप, बी मतलब होना है, नॉट मतलब लाइक अ डंप, डंप मतलब गूंगे, जीवन में गूंगे की तरह नहीं रहना।
ड्रीवन कैटल, ड्रोन का मीन्स चलना है, कैटल मतलब पशु, ड्राइव का मीन्स होता है चलना या हाँकना, तो यहाँ पर उसका थर्ड फॉर्म है ड्रीवन कैटल, पशुओं की तरह नहीं चलना है या जीना नहीं है। बी है हीरो, बी मतलब होना है, हीरो मतलब नायक, इन द स्ट्राइव मतलब संघर्ष होता है, संघर्ष में एक हीरो की तरह रहना है, नायक की तरह, संघर्ष में एक नायक की तरह रहना है। लेट अस, ताकि हम पा सके, लेट अस मतलब अपने आप को पा सके। देन तब बी एन अप मतलब ऊपर उठते रहें, एंड डूइंग कार्य करते रहें। विद अ हार्ट, विद मतलब साथ में, ऐसे हार्ट मतलब दिल से, फॉर एनी फेट, एनी मतलब कोई, फेट का मीन्स होता है भाग्य, भाग्य चाहे जो भी हो पूरे दिल से कार्य क्या करते रहें और जीवन ऊपर उठते रहें। एनी फेट, फेट का मीन्स होता है भाग्य, मतलब भाग्य चाहे जो भी हो पूरे दिल से कार्य को करते रहें, इसका एक सेंस है। और पोएट्री वाले सेक्शन में आपको ये समझना जरूरी है कि पोएट्री वाले सेक्शन में एक लाइन का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन टीचर किस प्रकार बता रहा है, उसका मीनिंग क्या है। स्टिल अचीविंग, स्टिल का मीन्स हमेशा, अचीविंग मतलब प्राप्त करते रहे, हमेशा प्राप्त करते रहे, स्टिल परस्यूइंग हमेशा आगे बढ़ते, परस्यू मतलब आगे बढ़ना हो या पीछा करना, हमेशा आगे बढ़ते रहें। लर्न टू लेबर, लर्न का मीन्स सीखे, टू लेबर का मीन्स होता है परिश्रम करना, परिश्रम करना सीखे, एंड टू वेट और इंतजार करना सीखे, मतलब जीवन में परिश्रम करना सीखे और इंतजार करना सीखे। हम यही चैप्टर को समाप्त करते हैं, इसके बाद ये जो सेंट्रल आइडिया है हम आगे नेक्स्ट के वीडियो में इस सेंट्रल आइडिया को कवर करेंगे।